हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया चंदेल्स कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक न्यू रेसिपी, हाउ टू मेक रेड सॉस पास्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना अपनी आज की रेसिपी, कि हम घर में किस तरह से रेस्टोरेंट जैसा ये स्टाइल में रेड सॉस पास्ता किस तरह से बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो उसके लिए यहाँ मैंने लिया है एक बाउल पास्ता, और जिसे कि मैंने यहाँ बॉयल कर रही हूँ। पानी मैंने बॉईल करने के लिए पहले रख दिया था, और मैंने अब इसमें ये एक कटोरी पास्ता जो है ऐड कर दिया है। और अब मैं यहाँ इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। बॉईल होना स्टार्ट हो गया है और मैं इसे कवर कर दूँगी लिड से, और उसके बाद हम बनाएंगे अपनी रेड सॉस। तो रेड सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ लिया है जिंजर और गार्लिक कचा हुआ बारीक, और एक प्याज और थोड़ा सा टमाटो प्यूरी। मैं यहाँ टमाटो प्यूरी यूज़ कर रही हूँ, टमाटो नहीं ले रही हूँ, प्यूरी यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद अब मैंने यहाँ पर लिया है पैन, और उसमें मैंने ऐड किया है ये ऑयल, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये जिंजर और गार्लिक बारीक चॉप हुआ हुआ, और इसे मीडियम फ्लेम पे हल्का सा कुक करूँगी। ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है, हल्का सा कुक करना है ताकि इसका थोड़ा सा रो फ्लेवर जो है वो हल्का सा कम हो जाए। और इसके बाद मैं इसमें अब ऐड कर दूँगी ये बारीक कटा हुआ प्याज, और इसे भी मैं हल्का सा थोड़ा सा कुक कर लूँगी। और इसे देखिए मैं हल्का सा ही कुक करूँगी, तो देखिए यहाँ प्याज जो है ये भी थोड़ा सा कुक हो चुका है अब। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये टमाटो प्यूरी। यहाँ मैंने टमाटो प्यूरी यूज़ की है, मैं टमाटो यूज़ नहीं कर रही हूँ, टमाटो प्यूरी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका इसमें बहुत ही अच्छा कलर आता है। क्योंकि मैं यहाँ कोई और कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ फूड कलर, इसलिए मैं यहाँ पर टमाटो प्यूरी यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और अब मैं यहाँ ऐड करूँगी कुछ काली मिर्च पाउडर, हाफ स्पून मैंने यहाँ काली मिर्च पाउडर यूज ऐड किया है। और उसके बाद यहाँ मैंने ऐड किया है थोड़ा सा ही सॉल्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा टमाटो केचप, और इसे भी यहाँ मिक्स कर लूँगी मैं अच्छे से। तो देखिए हमारा सॉस का कलर जो है कितना अच्छा आया है। और अब मैं यहाँ इसमें ऐड करूँगी थोड़ा से चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा मिक्स हर्ब, और एक बार फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए यहाँ हमारी सॉस जो है रेडी हो चुकी है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये बॉयल पास्ता, और इसे मैं फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए यहाँ मैं किस तरह से इसे ऊपर से थोड़ा नीचे की ओर ले जाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर दे रही हूँ, ताकि हमारा जो सॉस है अच्छी तरह से पास्ता के साथ मिक्स हो जाए। तो देखिए यहाँ सॉस जो है अच्छी तरह से पास्ता में मिक्स हो चुका है, और देखिए कलर भी कितना प्यारा आया है, जबकि मैंने यहाँ पर कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया है, ओनली मैंने यहाँ टमाटो प्यूरी यूज़ करी है। तो देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया है सॉस के साथ। तो अब यहाँ हमारा पास्ता जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है देखिए। तो अब मैं इसे फाइनल लुक देने के लिए इसमें थोड़ा सा चीज़ ऐड करूँगी, क्योंकि चीज़ के बिना ये है इनकम्प्लीट है। तो यहाँ मैंने अब इसमें थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ ऐड किया है। तो अब हमारा पास्ता जो है यहाँ रेडी हो चुका है, तो देखिए कितना अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।